पिया माता सुनिए सेवा का लोगा, सुनिए सेवा का लोगा, ए मोरा घाटे दुभियाओ पाजी गईले, मकड़ी बसेरा लेले, मकड़ी बसेरा लेले, एकर जोरी बोलले अरुण बाबू, सुनिए छठिया माता। नमस्कार, स्वागत है आपका IDD मीडिया पर। महापर्व छठ से जुड़ी बातों को आपके साथ साझा करते आ रहे हैं, उसी क्रम में विभिन्न छठ घाटों का दर्शन कराएंगे आज। आप सभी से सादर आग्रह होगा कि जो गुब्बारे लगे हैं तालाब के भीतर, कृपया उस रेखा को पार ना करें, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी। आ गए हैं यार, आ गए हैं। अपने पुराने जगह पे आज से 7 साल पहले रहता था सरिता भैया, वहीं पे। ये है ब्रह्म सिंह जी, यही पूरा अरेंजमेंट करता है भैया, टेंट का, सजाने का, पानी का, छठ मंदिर। अभी हजारों लोग और आने वाले हैं। सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो हमारे घाट बनाए गए हैं तालाब वाले, उनसे जो लोग पूजा नहीं कर रहे हैं थोड़ी सी दूरी बना के रखें। अब की बार एक ही घाट बना है, पिछली बार भी एक ही घाट बना था, लेकिन इस हालात को देखते हुए अगली बार एक घाट नहीं दो घाट बनवाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। उपासना का सबसे बड़ा पर्व और पवित्र त्योहार महापर्व छठ माना जाता है। छठ पर्व के 4 दिनों के दौरान भगवान सूर्य और उनकी बहन माँ उषा की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा के दिन सूर्य देव को अर्घ देने की विशेष परंपरा निभाई जाती है। अर्घ देना यानी भगवान को जल अर्पित करना। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जहां पर सूर्य देव की आराधना डूबते हुए सूर्य को समर्पित करते हुए की जाती है, इसलिए यह त्यौहार बहुत ही खास होता है। सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य की किरणों में कई तरह के गुण मौजूद होते हैं। इस त्यौहार को आज के समय में भी देश विदेश में रहने वाले बिहार झारखंड के लोग उसी हर्षोल्लास से मनाते हैं जिस तरह से पहले मनाया करते थे। छठ के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य को अर्घ देने के समय पूजन सामग्री में बांस की टोकरी में फल, फूल, ठेकुआ, चावल, लड्डू, गन्ना, कंद मूल इत्यादि रखे जाते हैं। सूर्यास्त के पूर्व परिवार के सभी लोग किसी पवित्र नदी, तालाब या घाट पर एकत्रित होकर एक साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं। छठ पर्व के दिन डूबते सूर्य को अर्घ देने और आराधना का विशेष महत्व होता है। समय के साथ साथ सदियों से चली आ रही परंपराओं में बहुत बदलाव भी देखने को मिला है। जैसे कि नदी तालाब की सुविधा आसपास उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण लोग कृत्रिम तालाब बनाकर वहां पूजा विधि संपन्न कर रहे हैं। सुनिए छठिया माता, ए रौरा घाटे दुभिया छिलाई देवो, मकड़ी उजाड़ी देवो, मकड़ी उजाड़ी देवो, ए रौरा घाटे गोबर चंदन परोड़ी देव, चंदन परोड़ी देव, ए कोपी बोलेली छठिया माता, सुनिए सेवा का लोग, सुनिए सेवा का लोग, ए मोरा घाटे दुभिया उपजी गईले, मकड़ी बसेरा लेले, मकड़ी बसेरा लेले, एकर जोरी बोलले
रौरा खाते चंदन पारोड़ी देव। हमने आपको देश के अलग अलग हिस्सों से महापर्व छठ की झांकियां दिखाई। ऐसी जानकारी भरी कार्यक्रम देखते रहने के लिए बने रहिए IDD मीडिया पर। नमस्कार। कोसिया भर हाई दे।